सब्जेक्टिव शीट नंबर 39 में क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्शन है, ये डीएम नहीं है, ये ई बाई एम है। चार्ज टू मास रेशियो करो इसे, चार्ज टू मास रेशियो। तो इसके अंदर वो कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, सर्कल है, सर्कल का रेडियस है, तो रेडियस का फॉर्मूला सर्कल में क्या होता है, एम वी बाई बी क्यू। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर चार्ज की जगह ई आएगा, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके ई बाई एम की रेशियो आ जाएगी। आपको वेलोसिटी पता है, आपको बी पता है, आपको आर पता है, ई बाई एम की रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड। वैसे तो ये स्टैंडर्ड आंसर भी याद होता है केमिस्ट्री से आपको, इलेक्ट्रॉन के चार्ज टू मास रेशियो, स्पेसिफिक चार्ज। क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे करना है इसे? क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट, 3 में डाउट, 3 में पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ क्यू गिवन है, मास गिवन है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, स्पीड गिवन है, डायरेक्शन परपेंडिकुलर, तो इट विल मूव इन अ सर्कल, पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन क्या होगा, टाइम पीरियड एक सर्कल में क्या होता है, 2 पाई एम बाय बी क्यू। लगा लियो आंसर, तो वैल्यू पुट कर लियो बस, ठीक। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन में डाउट, 5 में डाउट, 6 में डाउट, 6 में इलेक्ट्रॉन मूविंग परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में है और एक ऑर्बिट कैपिटल टी गिवन है, एक चक्कर का टाइम पता है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई एम बाय बी क्यू, क्योंकि तुम्हें टाइम पता है, 2 पता है, पाई पता है, मास और चार्ज पता है, भी आ जाएगा। अच्छा वो मैंने चेक नहीं किया, मेथड यही है, ठीक। अर्थ आंसर वैसे अच्छा कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 में डाउट, जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर देखो फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है बता देता हूं, फ्लक्स डेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को बी बोलते हैं, आपको बी निकालना है। ये आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन है, देखो जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 × 10⁻¹⁹ से जरूर मल्टीप्लाई करना, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इसकी एनर्जी, चाहे काइनेटिक चाहे पोटेंशियल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपको ई की वैल्यू भी पता है। अब नेक्स्ट है आपको रेडियस पता है, आपको क्या निकालना है, बी निकालना है। रेडियस का फॉर्मूला मैंने एनर्जी की फॉर्म में क्या करवा रखा है, 2m e फॉर एनर्जी, इट कैन बी काइनेटिक, इट कैन बी पोटेंशियल, कोई भी हो, डिवाइडेड बाय बी क्यू। अब आपको इस क्वेश्चन में रेडियस पता है, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, मास पता है किसका, इलेक्ट्रॉन का, चार्ज पता है, बी निकालना है और एनर्जी को ये पुट करना है, पूरे का पूरा आंसर आएगा, ठीक है। यहां तक हो जाएगा सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 में डाउट, सेम कॉन्सेप्ट है, इस बार एनर्जी कितनी है, 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ई की जगह 2000 × 1.6 × 10⁻¹⁹, बाकी मेथड रिमेन्स सेम, सेम आर का फॉर्मूला, सही है यहां तक। नेक्स्ट है 9th, 10th की तो ना ऐसी फोटोएं जब लगी होती है ना कि कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है और साथ में देखो इधर आ रहा है, तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्यों, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, और फिर भी चार्ज पार्टिकल सीधा आ गया, तो यहां पर गारंटेड वी का फॉर्मूला ई अपॉन बी ही यूज किया जाएगा। मैं क्वेश्चन बिना पढ़े बता सकता हूं इस टाइप का, वी इज इक्वल टू ई बाई वी पक्का यूज होगा, और वही यूज है इसमें, तो इसमें वी इज इक्वल टू ई बाई बी, पर आपको बी निकालना है, ई गिवन है और वी गिवन है आंसर, पहला फॉर्मूला ये लगेगा, वी इज इक्वल टू ई अपॉन बी, समझ में आ रहा है यहां तक। 11th में डाउट, 11th क्वेश्चन के अंदर प्रोटोन है, ड्यूट्रॉन है, एल्फ है, और आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल की वैल्यू तीनों की सेम है, एंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर, का मतलब सारे के सारे सर्कल में घूमेंगे, कंपेयर देयर काइनेटिक एनर्जी, तो देखो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी कहाँ से आई, जब एक चार्ज पार्टिकल को आपने वी पोटेंशियल दिया, तो जो आपने उसको पोटेंशियल एनर्जी दी वो कन्वर्ट हो गई इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक, तो इस टाइप के क्वेश्चन में काइनेटिक और पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड सेम होता है। अब इस केस में अगर ये प्रोटॉन की बात कर रहा है, ड्यूट्रॉन की बात कर रहा है और अल्फा की बात कर रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोटॉन की क्या होगी, चार्ज प्रोटॉन का ई है और पोटेंशियल वी है, ड्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चार्ज ड्यूट्रॉन का ई है और पोटेंशियल वी है, क्योंकि ड्यूट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज तो सेम ही होता है,
और अल्फा पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ट्वाइस चार्ज ऑफ प्रोटोन है और पोटेंशियल वी है, क्योंकि वो कह रहा है पोटेंशियल दोनों में सेम है, तीनों में सेम है। तो अब तुम निकाल लेना, इसकी रेशियो निकाल लेना, काइनेटिक एनर्जी की रेशियो आ जाएगी कितनी, 1:1:2, 1:1:2, एक आंसर आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी की रेशियो निकालने के लिए क्यू इंटू वी से रेशियो निकाल के आंसर। अब वो कह रहे हैं कि चलो ठीक है, काइनेटिक एनर्जी की रेशियो तो आ गई, कंपेयर दे रहे इफ द रेडियस ऑफ प्रोटोन इज 5, तो बताओ ड्यूट्रॉन और अल्फा का रेडियस क्या होगा। अब रेडियस का फॉर्मूला एनर्जी की फॉर्म में क्या होता है, अंडर रूट ऑफ 2m इनटू एनर्जी डिवाइडेड बाय bq। तुम एक बार रेडियस प्रोटोन का लिखो, अंडर रूट ऑफ 2 टाइम मास ऑफ प्रोटोन, काइनेटिक एनर्जी की जगह मैं क्या पुट करूंगा, चार्ज इनटू पोटेंशियल, अभी किया था q इनटू v, डिवाइडेड बाय, आप यहां पर लिख लो, यहां पर क्या पुट करेंगे, चार्ज इनटू पोटेंशियल। मैग्नेटिक फील्ड भी है और चार्ज की वैल्यू प्रोटोन पे ई है, इक्वेशन नंबर 1, और ये रेडियस आपको गिवन है ऑलरेडी 5 सेंटीमीटर। अब सेम काम ड्यूट्रॉन के लिए करो, ड्यूट्रॉन के लिए 2 इंटू मास ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होता है, 2 टाइम मास ऑफ प्रोटोन, चार्ज सेम है, पोटेंशियल क्वेश्चन में सेम है, बी सेम है और चार्ज सेम है, इक्वेशन नंबर 2। तो तुम इस रेडियस को इस रेडियस से डिवाइड कर दो, तो यहां से प्रोटोन का रेडियस पता है, ड्यूट्रॉन का आ जाएगा आंसर। सिमिलरली अल्फा पार्टिकल के लिए पुट कर लो, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास अल्फा पार्टिकल का क्या होता है, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटोन, चार्ज क्या होता है, 2 टाइम्स चार्ज ऑफ प्रोटोन इंटू पोटेंशियल सेम है, डिवाइडेड बाय पी इंटू चार्ज क्या है इसमें, 2 इंटू ई ऐसे। तो अब इसको और प्रोटोन को डिवाइड कर लो, प्रोटोन का रेडियस गिवन है, अल्फा का रेडियस आ गया, डिवाइड करते रहो आंसर। मतलब पहले रिलेशन प्रोटोन के लिए लिख लो, फिर लिख लो ड्यूट्रॉन के लिए, फिर लिख लो अल्फा के लिए, फिर सबको डिवाइड कर करके आंसर निकाल लो। और रिलेशन तो पता ही है मास और चार्ज के क्या होते हैं, कोई डाउट इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ, रेशियो याद होनी चाहिए मास की और चार्ज की, रेशियो नहीं याद फिर कोई फायदा नहीं क्वेश्चन का, ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 में डाउट, 12th में चार्ज पता है, मास पता है, प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी पता है और मैग्नेटिक फील्ड भी पता है, एंगल बिटवीन फील्ड एंड वेलोसिटी इज गिवन, तो थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, साइन इनवर्स 0.90, तो यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 0.90। तो जब तुम रेडियस निकालोगे एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाई बी क्यू से, तो तुम साइन थीटा की वैल्यू 0.90 पुट कर देना, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा और इसमें कुछ नया नहीं है, हेलिक्स में तो मूव करना ही करना है। वो कह रहे हैं प्रूव करो ये हेलिक्स में, प्रूव क्या करना, हम तो पहले ही प्रूव करके बैठे हैं, क्योंकि एंगल 90 नहीं है, वी और बी में एंगल 90 नहीं है, तो ये हेलिक्स है, अगर 90 होता तो सर्कल है। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, कोई डाउट इसमें?